दो तीन बंदे यहीं पे बैठे पड़े हैं, एक तो मेरी बिल्डिंग पे आ गया, प्लस दूर से भी गोली पड़ेगी, जैसे कि ये देख लो। तो भाई लोग कैसे हो, तो यार वेलकम टू बैक बैंक वेलकम, और स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू बस वी के गेम ब्रेडर पे, जहां पे होगी पिटाई ठुकाई और हर 98 भी चलाएंगे, साथ ही साथ देखेंगे एक जो दीवार पे लटकने वाली ट्रिक हुआ करती थी वो क्यों काम करना बंद कर चुके हैं आजकल, वो काम क्यों नहीं करती, आगे दिखाता हूँ कौन सी ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। खैर फिलहाल यहाँ पे आया हूँ, एक बंदे को लपेट लिया, एक नल्ले को यहाँ पे लपेट लिया मैंने, ये कर दी इसकी पेठी फेंक, ये क्या है एक किल, कद्दू कुछ ना होने का, इससे आगे बढ़ो और चिल जिए 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 जिए। तो हाँ मेरी जीब लड़खड़ा सी गई थी, पता नहीं क्या हो गया, जीब में लड़खड़ाहटपन हल्का सा इधर आ गया था, लेकिन बड़ा इस नल्ले को पकड़ता हूँ, देता हूँ इसके पीछे चक्कू, बिग लॉन्ग थिक तो नहीं थिन हथियार, पहलता हूँ इसके, दो ही किल मिली है, शॉर्ट गन से मैंने इसको पकड़ लिया था, लेकिन देखो अभी चल दिया बाकी बंदों को पेलने के लिए, सीधा चढ़ता हूँ छत में, छत से पेला देने में अलग मजा आएगा। ये देखो एक नल्ला आगे बैठा पड़ा है, कैंपिंग इनकी फुल है, मैं भी तैयार था पेला वेला देने के लिए, डीपी पड़ी है हाथ में, और इतने में ही एक बंदा दूर पे दिखाई देगा अभी, ये देखो इसे, दो बंदे एक साथ पकड़ लिए, अभी मैं रश करता हूं उधर पे, उधर पे रश ज्यादा जोर से करना है मुझे, पता नहीं क्यों किल चोरी हो गई इसकी, भैंस का लकड़ा ये नल्ला, ये बेशरम किल चोरी इतने तेजी में करता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने जल्दी ये किल को चोरी कर लेता है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, अंदर ही बैठा है वो, ये देखो आ गया नल्ला बाहर, अरे बेशरम तुझे शर्म नहीं आई, आप ये किल चोरी करते हुए, ये ले पेटी खाओ, ऐसी तैसी इसकी, ऐसी इतनी सी किल मिल रखी है, वो भी चोरी हो रही है। खैर मेरे ख्याल से वो जो उधर दूर घर पे भी मैंने नॉक किया था उसकी किल भी शायद से मेरे को मिल गई थी, अभी देखो यहाँ पे खड़े होके बॉट ही पेल रहा था, कुछ था नहीं करने को, जैसी होता है लेकिन करने को, पेटी कर देंगे पैक, बिल्कुल पेटी पैक हो गई। ये देखो आग उग भी डाल दी थी, लेकिन मेरा टीममेट साइड में बैठा था, भाई ने पेटी डाल दी तुरंत से पहले, सात किल मेरे हो चुके हैं, और भी बंदे लोग हैं उधर पे, बंदे लोग को पेलने के लिए मेरे को आगे बढ़ना होगा, हमको मिलके हम और आपको आगे जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। ये देखो इस जगह पे पहुंच गया, यहाँ से बढ़िया एंगल है, ये रहा एक बंदा इसके पीछे बैठा है टंकी के, यहीं पे है मेरे भाई, ये नॉक हो गया, नॉक हो गया, किसी और नल्ले ने इसको नॉक दिया, मैंने बोला छोटू नॉक तुम दे दो कोई दिक्कत नहीं, किल मेरे खाते पे ही होना चाहिए मेरे भाई, खेल मेरे खाते पे ही हो। खैर बेटा अभी देखो इसको मैं पहले के लिए ये नेट नूट तैयार करता हूँ, पहले तो इसने कैंपिंग लगा के रखी, दबा के कैंपिंग लगा के रखी, उसके बाद ये देखो, अरे ये भाग गया क्यों, व्हाई ये भागा, मैं इसको पहले वाला था लेकिन ये कूद ही मारने लगता है, अब मेरे को नहीं पता ये कूद क्यों रहा था, हमने बात करने की कोशिश की नाकाम, सब कुछ सारी कोशिशें नाकामयाब, नाकामयाब, नाकामयाबी का अंधेरा, हमको हाथ लगा इस नल्ले से, रुक जा उसकी पेटी डाल दे तो मेरे को, क्या हो गया भाई, कुछ नहीं बोलता है, मेरे ख्याल से एमो खत्म है इसकी, पता नहीं मेरे को क्यों, अरे एमो भी थी पता नहीं क्यों, ये कूद रहा था, कुछ बोला भी नहीं, मैं पेटी डाल दिया, मैं आगे बढ़ गया, इतना सबर मेरे से नहीं हो पाया कि मैं जान सकूँ इसका ये माइक कब खोलेगा, मैं पेटी डालता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ जिंदगी में। खैर बड़ा यहाँ से मामला खाली कर ही चुके थे हम लोग, ज़्यादा कुछ था इधर को करने को, तो हम लोग निकल लेते हैं उधर से, जाते सीधा अपार्टमेंट की ओर, यहाँ पे मेरे भाई जो लड़ाई होंगी, इतने सारे बंदे, इतनी सारी टीमें, पूछो ना मेरे भाई, पूछो बस मेरे से। खैर फिलहाल एक बंदा इधर डैमेज दिया नहीं, ठीक ठाक डैमेज पड़ा इसको, वो उल्टा मेरे को ज्यादा डैमेज देता है, मैं बोलता हूँ इसको छोड़ दिया था, ये बेशरम है, ये गोल घूम रहा है, ये गोल घूम के काट देगा जिंदगी, मैं रुक गया, यहां पे रुका था, हर तरफ से गोली गोली फट रही थी, मैंने बोला फटाक से अंदर चल देता हूँ, इससे पहले बाहर ही मेरे को दबोचा दे दिया साहब, मैं अंदर के लिए निकल लिया। अभी देखो यहाँ पे आता हूँ, अभी ये दिख जाए मेरे को तो मैं इसको पेलूंगा, पत्थर के पीछे ही है वो, अभी मैं हील करने बैठता हूँ इधर, और आखिरकार भैया आते कवर से बाहर, इसकी ऐसी तैसी गाड़ी गोल घुमाता रह गया था, वहां मैं कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाया, लेकिन अब सही है, वो भागा उधर से, उसको लगा हम छोड़ के चले गए, छोटू ऐसा कैसे छोड़ के चलता है, पेटी तो आपकी डालनी ही पड़ेगी, डालनी ही थी पेटी तो आपकी, एक नॉक मजा आ गया, आ जाओ
फर्स्ट एड पहले वाला था मैं, जरूरत नहीं है फर्स्ट एड की, तो मैं ये क्या कहते हैं इसको व्हाट इज दिस पेन किलर वगैरह पहलता हूँ। आगे में देखो नेट वूट मैंने डाल दिया भर के, सामान पूरा अंदर फिट कर दिया, कोई फायदा नहीं मेरे भाई, पता नहीं कहाँ लड़ रहे बंदे। गाड़ी आ गई थी, एक बंदे की पेटी डाल दी गाड़ी से और ये डाली दूसरे वाले गाड़ी वाले बंदे की पेटी, दो किल तो यहीं खड़े खड़े मिल गए, बढ़िया है। ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, अपार्टमेंट के बीच पे गाड़ी रोक दिया, अरे मेरे ताऊ के बेटे यहाँ पे पेटी डालती है सीधा, यहाँ पे घरों के अंदर पेटी डाल देते बंदे, कहाँ गाड़ी रोक रहे हो, उसकी पेटी डाली। अभी देखो आगे पे लड़ाई चल रही है, मैं खोल के खड़ा हूँ स्कोप अपना ये, ताकि जैसे कुछ हो पंगा मैं एकदम से लड़ सकूँ। ये गया, एक गया नॉक, नॉक पे डैमेज दिया मैं, कुछ फायदा नहीं मेरे गाइस, कुछ फायदा नहीं, जाना ही पड़ेगा अब यहाँ से, गोली चला के कुछ नहीं होने वाला। मैं उठाता हूँ लंबी तलवार, लंबी और पतली सुडौल तलवार उठा के मैं कर दिया रस गेम प्ले। आ जाओ सीधा ऊपर जाके देखेंगे सिस्टम क्या है, बंदे कितने बैठे हैं, गोली चला इसने, यहीं बैठा है, यहीं बैठा है ये, रहा आग आ गई, आग लगभग जला देती है मेरे को, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, डाल दो पेटी डाल के आग से ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा तुम्हारे भाई को, सो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, दो पेटी डाल के मस्त मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद दोबारा से जाना पड़ेगा, मेरा टीममेट ये हॉलो प्रॉक्सी यूज करता रहता है, टाइम पास करता रहता है इधर उधर, लेकिन मैं रखता हूँ विश्वास पेटी डालने में। एक को नॉक किया, आ जाओ वहां पे शायद से कोई और है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, जाके ही पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ, तलवार हाथ पे रखी रहे, कुछ भरोसा नहीं कौन कहाँ से पेटी डाल दे, तलवार हाथ में लेके मैं इधर उधर भागना चालू करता हूँ। ये देखो फटाक से पहुंच जाता हूँ इधर पे, अंदर जाके उस नल्ले की पेटी डालता हूँ, और अब टाइम आ चुका है बड़ी मेन बिल्डिंग पे रस करने का, बंदे लड़े जा रहे हैं। ये देखो धुआं निकल गया, आधे सेकंड से लेट हो गया, मैं किल मिल जाती है। लेकिन अब देखो ये ट्रिक करता हूँ मैं, ये ट्रिक काम नहीं करती आजकल ठीक से, पता नहीं क्यों पता चल जाता है बंदों को, बंदे बहुत चलाक हो गए आजकल बहुत ज्यादा। जैसे इसको देख लो, इसे पता है मैं आऊ, ये रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये नल्ला मेरे को कुछ उखाड़ नहीं पाता ऐसे। अब देखो वापस मैं ट्रिक यूज करके अंदर गिर जाता हूँ, ये बंदे यहाँ पे तो है नहीं, किसी और कमरे पे लोग फिट हो चुके। आओ देखो कमरे पे क्या चल रहा है, कमरे पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, अरे मैं फिसल ना जाऊँ यहाँ से, कमरे पे कुछ गड़बड़ तो नहीं ये देखने आता हूँ, और मेरा पाँव फिसल गया, बंदा वहीं खड़ा था, और ये लो मेरे भाई पिट गए, पिट गए। इस बंदे को मैं पेलने ही वाला था, मैं आ चुका था, आई वाज हियर, लेकिन मेरा टीममेट डीबीएस मारता है इसके पीछे, और भाई ये बंदा भी ठिल गया, 18 किल, कोई बात नहीं, क्या कर सकते अब, ट्रिक काम नहीं करती गाइस आजकल, पता नहीं क्यों काम करना बंद कर दिया, बंदे आजकल फुटेज टाइप बहुत जल्दी सुन लेते ये नल्ले कहीं गए। लेकिन ये रही लाल बुगाटी अपनी, इस बुगाटी से रस गेम प्ले कर रहा था, बुगाटी गाड़ी की आवाज़ सबसे भयानक है, जितनी भी स्किन है उनमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया इसी गाड़ी की आवाज़ है। सिर्फ एक बंदा नॉक है, बाकी बंदे कहाँ है मेरे को दिखाई तक नहीं दे रहे, मेरे को कद्दू ना बताओ, बाकी बंदे है कहाँ, और वो तो छोड़ो ये देखो जरा आप, ये पिट गया मेरा टीममेट बिन मतलब, पता नहीं क्यों वहां पे क्या कर रहा था भाई ने डलवा ली अपनी पेटी बिन मतलब, कोई जरूरत नहीं थी पिटने की इसमें, बिन मतलब भैया पिट गए। खैर अब क्या कर सकते, मैं आता हूँ बदला लेने के लिए इधर पे, मैं बंदा नॉक कर गया, मेरे को दिखा भी नहीं है वो, मजाक से हट गई इतनी झाड़ी में। अब देखो दूर से गोली चलती है, मैं पहले सबसे पहले रिवाइव करने के लिए आता हूँ, कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए, लेकिन ये देखो पेलना ज्यादा सही था इस टाइम पे मेरे भाई। अरे रिवाइव तो होता रहेगा, अभी बहुत हेल्थ बाकी है, आधी से ज्यादा हेल्थ है, कोई दिक्कत ना, दो तीन बंदे और पेल दूंगा मैं उतने में, लेकिन हाँ मैं रिवाइव दवाई देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो सकती है अकेले आगे ऐसे बढ़ने में। रिवाइव दवा के देखो आगे एक और बंदा है जो सही न जाने कहाँ पर हिसाब बना होगा, मेरे को कद्दू ना पता, मैं निकलता हूँ अपने को मिल्टा से कोई गोली बेल रहा था उनसे बदला दाबने के लिए, मैं मिल्टा पहुँच गया उन्हीं के घर पे, लेकिन फिर से अपने को गोली पड़ दी है, एक टायर और फोड़ दिया इन्होंने, नल्ले पता नहीं कहाँ कहाँ से चलाते हैं। अभी देखो मिल्टा पे मैं पीछे पीछे आ जाता हूँ ताकि बढ़िया एंगल ले सकूँ, और इतने में ही गाड़ी आ गई,
गाड़ी आ गई, बच के भाग गया। अब हो गई दिक्कत, ये पहुंच गए जोन के अंदर और मैं रह गया बाहर। लेकिन कोई ना, मैं एकदम छत पे चढ़ता हूँ, आईक्यू ट्रिक लगा के यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ अभी। क्या ये छत पे चढ़ना सही था या फिर नहीं, ये गाड़ी वाले यहीं रुके हैं मेरे भाई, दो तीन बंदे यहीं पे बैठे पड़े हैं। एक तो मेरी बिल्डिंग पे आ गया, प्लस दूर से भी गोली पड़ेगी, जैसे कि ये देख लो इसकी। तो ये गया एक नॉक, जोन के बाहर है बंदा, शांति नहीं है इनको, फिर भी मेरे पे ही गोली मारनी है। अरे अंदर तो आजा भाई कम से कम, जोन के बाहर से लड़ रहा बंदा, जज्बा है बिल्कुल। खैर वटा, अभी दो बंदे और होते इधर पे, छोटू ये मौली का यार करियो, एक नॉक किया अभी मैं चाहता हूं अंदर पे। ये लो मेरा टीममेट फिर से पिट गया, पता नहीं कौन कहां से गोली डाल गया, इट इज बैड। मेरे को इसको पेलना होगा, इसे अंदर बैठा एक बंदा, इसको पेलो सबसे पहले, दो इसको पेलते ही मैं जाता हूँ पेटी डालने, इसकी पेटी डाल के फटाक से बाहर जाना पड़ेगा मेरे को अपने टीममेट को रिवाइव दबाने के लिए। ये मैं पहुंच गया इधर पे। अच्छा भाई, इस छत की दीवार है रेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो पेटी यहीं पे डल जाती, आगे से किसी ने मारा मेरे ख्याल से। खैर कोई बात नहीं, रिवाइव हो गया, ठीक ठाक किल मेरे को मिल गए। मैं आता हूँ चोर के अंदर, जो एक इकलौता ढंका करता उस पर मैं बैठ जाता हूँ, यहाँ से अब पेलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मेरा कद्दू मैं कुछ नहीं पहन पाता, सारी किल मुंह के सामने से चोरी हो जाएगी। पहले मैं चोरी करता हूँ, ये देखो जरा, अरे गोली लगती क्यों नहीं इसकी भैंस की लकड़ी, एक किल चोरी, मैंने बोला मजा आ गया, आज अपना दिन है, बढ़िया किल चोरी करेंगे। मेरा कद्दू को चोरी नहीं होती, इसके बाद मेरी खुद की किले चोरी हो जाती है और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ बढ़ती रहती है मेरे गाइस। खैर कोई बात नहीं, 25 किल करके मैं रुक रखा हूँ इधर पे। ये रहा बंदा, एक नॉक कर दिया किसी और ने नॉक कर दिया भाई, मैं करता हूँ इंतजार। ये देखो किल फीट, एक की पेटी डल गई, दूसरा होता है वो भी ठिल गया। मजाक सट के मेरे सामने थे ये दोनों बंदे, मेरी किल थी मिलने वाली थी मेरे को, कोई नल्ला दूर से पेल गया, मेरे को बदला लेना ही पड़ेगा। ये रहा वो एक हेडशॉट, लेवल 3 का हेमलेट, हर बार यही कहानी, मुन्नी नहीं हुई अभी तक, मुन्नी की नहीं आई अभी तक जवानी। खैर वो सपटा, मैं चढ़ता हूँ इधर छत पे चढ़ गए, इनको पेलेंगे बराबर। हेडशॉट तो दे दिया था, बंदा नॉक नहीं हुआ, कार्बाइन टेट को रिलोड कर लिया, 3 बंदे अभी भी बाकी मेरे भाई, डैमेज एक को कर दिया नॉक, इसको जान नहीं दे सकते, इसकी पेटी पैक करो, इसको मत जाने दो, 3 बंदे तीनों एक ही टीम के आगे। अरे ये कैसे नहीं ढीला इसकी डाली पेटी, अभी भी देखो इस पेड़ पे 2-3 बंदे और बैठे पड़े हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा होता है। स्मोक डाल दिया, स्मोक में जस्ट की कोशिश, कद्दू भी ना हो पाया। मैं सोच रहा था कि उस टावर पे चला जाऊं, लेकिन देखो अभी जाना ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ओपन है वो। मैं करता हूं इंतजार, एक और बार ये शक्ल दिखा दे, बस एक बार और दिखा दो मेरे को अपनी शक्ल, यस उसके बाद मैं आगे चल जाऊंगा। एक बंदा नॉक करके मैं करता हूं इंतजार थोड़ी देर, वो है जोन के बाहर, शक्ल तो दिखानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए शक्ल दिखानी पड़ेगी मेरे भाई। आ जाओ, अब हो गया काम, जोन आ चुका है, मैं पहुंचता हूँ यहाँ पे। मेरे को लगा बंदा रिवाइव नहीं देगा, लेकिन ये ठीक बेशरम लोग ना, इतने ज्यादा बेशरम होते हैं, मैं क्या बताऊँ। आग मैंने डाल दी, आग से कद्दू कुछ ना उखड़ा किसी का, लेकिन ये बंदा ना हुआ। किल देखो मेरे भाई, सिर्फ किल देखो, मौली से भी एक किल मेरे को मिलती है, और एक किल मैंने डाल दी थी M4 से, तो हाँ उसने मेरे को नॉक कर लिया, लेकिन मेरे को पता था यार मैं नॉक हो जाऊंगा, लेकिन अपनी मोली काम करके जाएगी, नहीं तो मेरे को एक किल कम मिलती वो M4 वाली। अगर मैं नॉक नहीं होता तो मैं गोली चलाना रोक देता, जो उनको किल मिल जाती, तो हाँ इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं, नॉक होके 2 किल ले लिए, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे भाई। खैर इसी के साथ आज के लिए इतना ही मेरे भाई, 26 तारीख का इंतजार है मेरे को, अपडेट आ जाए तुरंत से पहले मैं आ जाएगा, कल मिलते हैं, बाय बाय।